गुड इवनिंग आप सभी को हमारा इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाला, आप देख सकती है दोस्तों पीछे का सेटअप, अभी पीछे का आप देख सकती है हम लोग कोई भी बोलो तो अलग से जगह में आया है शूट करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारा भाई लोग हमारा साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP लेने का नाम से, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करेंगे भाई लोग, अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का सच में एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP लेना ही चाहता है तो आप अपना अपना स्टेट में जो एयरटेल स्टोर है वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कीजिए। अभी दोस्तों दूसरा चल रहा है बोलो तो दुर्गा पूजा का ऑफर, आज दोस्तों दुर्गा पूजा का लास्ट दिन है बोलो तो आज दूसरा है, तो दीपावली जो होता है दोस्तों, काली पूजा जो होता है दोस्तों, काली पूजा में फिर से एक अपडेट आने वाला है एयरटेल की तरफ से। बहुत सारा भाई लोग दोस्तों हमारा जो दूसरा का वीडियो देख लिया है दुर्गा पूजा का, जो फर्स्ट हम लोग वीडियो अपलोड किया था कम से कम 4-5 दिन आगे, तो इस वीडियो में आप लोग देख लिया होगा शायद, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP एक माइक्रो एटीएम लेने पर हमको दे रहा है, ठीक है। माइक्रो एटीएम लेने का लेंगे तो हमको एक CSP और लाफो सिम प्रोवाइड हमको कर रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत सारा भाई लोगों को नहीं प्रोवाइड कर रहा है बोलो तो, बहुत सारा ऐसा एयरटेल स्टोर है जहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है, तो मैं उस लोगों को बोलने के लिए कोशिश करेंगे। अगर उन भाई लोग देख रहे हैं बोलो तो जो ऐसा काम कर रहा है जो नहीं दे रहा है, उसको मैं बोलेंगे एक ही बात, जो आपका घर का काम नहीं है भाई लोग, आप प्लीज़ जो भाई लोग काम करना चाहता है लाफू में, उसको लाफू सिम दीजिए और काम करने का मौका दीजिए। और अगर आप लोग फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के बाद मेरे को कॉल करता है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे ये जो मेरे को कॉल मत करें, क्योंकि मेरे को कॉल करने से आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपना अपना स्टेट में जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं दोस्तों वेस्ट बंगाल से हूँ, जो भी मेरा भाई लोग वेस्ट बंगाल जो भी स्टेट है, जो भी ब्लॉक से है, जो भी गाँव से पंचायत से वो भाई लोग उसी को मिलता है बोलो तो, मेरा स्टेट अलग है आप लोगों का स्टेट अलग हो तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरा एक वेबसाइट है digitalastukistore.com, मैं दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे सकता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे स्क्रीन में। तो दोस्तों अभी सबसे पहले मैं क्या करेंगे, मेरा मोबाइल एक दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरा फोन एक मेरा पास एक फोन है, तो मैं इस फोन में आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे, और स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट करने के बाद दोस्तों मेरा सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल क्रोम जो है दोस्तों हमारा मोबाइल फोन का गूगल क्रोम, तो आप रास्ता से देख सकती है बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, इसलिए दोस्तों लेने के लिए शॉर्ट लेने के लिए हम लोगों को दिक्कत आ रही है, शर्म लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे, गूगल क्रोम में हमको लेना क्या है चलिए मैं आपको शुरू में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। गूगल क्रोम में हम लोग आ चुका है, और गूगल क्रोम में आपको सैंपल लिखना है digitalastukistore.com, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है digitalastukistore.com, लिखने के बाद दोस्तों आपको गो नाउ में क्लिक कर लेना है, और जब दोस्तों गो करेगा साथ से दोस्तों हमारा एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, ये दोस्तों हमारा वेबसाइट है, ठीक है। कल का एक दोस्तों पोस्ट किया था, कल परसों एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में आप लोगों को मैं बोला था जो भाई अगर आप लोग डिजिटल सिम सब लेना चाहता है तो आप दोस्तों हमारा आर्टिकल पढ़ के ले सकती है, लेकिन दोस्तों बहुत सारा भाई लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, कॉल करके बता रहे हैं भाई मेरे को एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP चाहिए, तो उन भाई लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, मेरा जो नीचे का दोस्तों एक पोस्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे देख सकती है, एयरटेल पेमेंट बैंक से आधार सेवा केंद्र कैसे ले, उससे नीचे दोस्तों 2-3 पोस्ट के नीचे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सामने यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक BC एजेंट फ्री सेटलमेंट यहाँ पे है, उसके नीचे और भी दोस्तों आर्टिकल है, जैसे कि दो नंबर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, दो नंबर में ऑप्शन में आप लोगों को शायद मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को और भी नीचे डाउन करके देखा, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकती है, चलिए तो हम लोग नीचे डाउन कर रहे हैं और 3 नंबर ऑप्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल में आप लोग यहाँ पे आर्टिकल जब पढ़ेगा दोस्तों तब आपको मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और भी एक आर्टिकल खोल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक करूँगा और मैं यहाँ पे जाके दोस्तों इसको नेक्स्ट करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे को नेक्स्ट करना है, 3 नंबर ऑप्शन में क्लिक कर दिया हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो एटीएम एयरटेल पेमेंट बैंक बुकिंग कैसे करें, ये इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जब देख पा रहे दोस्तों, ये दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना है, एयरटेल पेमेंट बैंक का माइक्रो एटीएम बुकिंग कैसे करें, यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक कर लेना है। जब दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऐड आएगा, ऐड को आपको रिमूव कर लेना है, और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे डाउन कर लेना है, आप देख सकती है इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ना, ठीक है। दोस्तों इस आर्टिकल का अगर आप मान के चलो पढ़ेगा तो आपको मेरे साथ कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, किस तरह आपको कॉन्टैक्ट करना है, सब कुछ आप वहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो चलिए वीडियो देखने को धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आशा करेंगे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी मिल गया है। तो आप लोग देख सकते हो अभी का नज़ारा, यहाँ पे हर टाइम गाड़ी जाता है, उसके लिए दोस्तों मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत शर्म लग रहा है आप लोगों के साथ, पता है, ठीक है। तो वीडियो देने के धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर लेना चाहता है तो आप digitalastukistore.com में जाकर ले सकती है, अगर आप लोग EGP का ID फ्री में लेना चाहता है तो तब भी आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। थैंक यू।